लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर टेक्निकल पंक चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन तुरंत अपने फोन पर पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं टेक्निकल पंक। हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं। चलिए इंट्रो देख लेते हैं पहले। दोस्तों कैसा हो अगर आपकी जेब में रखी आपकी पेन ड्राइव ही आपके कंप्यूटर का पासवर्ड बन जाए? आया ना सुनने में मजा, भाई करने में भी उतना ही मजा आने वाला है। मैं आप लोगों को यही बताऊंगा आज कि कैसे आप अपनी जेब में रखी अपनी पेन ड्राइव को ही अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बना सकते हो। फिर कोई ज़रूरत नहीं है यूज़र अकाउंट पर पासवर्ड लगाने की, या फिर फाइल्स पर पासवर्ड लगाने की, फोल्डर्स में पासवर्ड लगाने की। कौन रखे इतने पासवर्ड याद? अभी इतने पासवर्ड लगाने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली सेफ है। हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई हैक ना कर ले हमारा कंप्यूटर, कोई हमारी फाइल्स ना चुरा ले, कोई डेटा ना चुरा ले। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे कंप्यूटर को खतरा रहता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जेब में रखी पेन ड्राइव को ही अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बना सकते हो, और उस पेन ड्राइव के अलावा आप उस कंप्यूटर को खोल ही नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक इतनी मज़ेदार होने वाली है ना बहुत, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। भाई सबको पता चलना चाहिए, अगर ये ट्रिक है कामयाब है तो मैं चाहता हूँ कि ये सबको पता चले और सब इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को स्किप मत करना, और हाँ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, कर लो। आप ही के लिए लेके आता हूँ मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़, चाहे वो फिर वो कंप्यूटर वाली हों, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हों, एवरीथिंग। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने कंप्यूटर पर आ चुका हूँ और अब आपको फटाफट से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, क्या मत्था पाची करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी पेन ड्राइव को जो है अपने कंप्यूटर पर लगाना है, यानी कि इंसर्ट करना है। तो चलिए पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देते हैं। ये कि मैंने अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट, और यहाँ पर आपको ये शो भी हो गई। ठीक है, जैसे ही आपको आपकी पेन ड्राइव शो हो जाए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जितना भी आपका इसमें यूजेबल डेटा है उसको आप अपनी किसी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट, और बाद में इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए। मैं फॉर्मेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगी फॉर्मेट होने में, और चलिए होने देते हैं पहले इसको फॉर्मेट। अब जैसे ही ये फॉर्मेट हो जाए, देखिए फॉर्मेट हो चुकी है, जैसे ही ये फॉर्मेट हो जाएगी आपको सब कुछ बंद करते हुए यहाँ पे जाना है स्टार्ट बटन पर, और अपने कंट्रोल पैनल तक पहुँचना है। जैसे ही आप अपने कंट्रोल पैनल पर पहुँच जाओगे, ये आपको अभी तो इस तरीके से दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, बट जब आप पहली बार आओगे तो शायद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको स्मॉल आइकन पर, यहाँ पे कैटेगरी पर जाकर इसको स्मॉल आइकन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे स्मॉल आइकन सेलेक्ट करते हो, और यहाँ पे आपको पहुँचना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल तक। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर से दूसरे नंबर का जो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको दो बार क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर दो बार क्लिक करते हो, आपको दिखाई देगा डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट पे जाते हो, आपको यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव शो होने लगेगी। ठीक है, ये देखिए PANK@20 ये मेरी पेन ड्राइव है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको आपकी पेन ड्राइव शो होने लगे, तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा सिलेक्ट करते हुए, और चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। ठीक है, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ इसको सिलेक्ट कीजिएगा, आपको यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव शो होगी। देखिए बी लेटर कन्फिगर है ना, तो यहाँ पे बी लेटर ही शो हो रहा है, तो आपको इसको चेंज करना है। अगर कुछ और भी शो हो रहा है तो आपको इसको चेंज करते हुए ए कर दीजिए। ठीक है, ए करने के बाद इसको ओके कीजिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन या मैसेज आएगा, इसको यस कीजिएगा, और देखिए यहाँ पे आपका ड्राइव लेटर जो है वो चेंज हो चुका है, अब ये ए हो चुका है।
तो इसको काटिएगा और इसको भी काटिएगा, सबको काट दीजिएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद अब आपको जाना है फिर से स्टार्ट बटन पर और यहाँ से रन सेलेक्ट करना है, ठीक है, रन। तो यहाँ पे लिख देते हैं RUN, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप रन पे पहुँचते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको ये टाइप करना है SYSKEY, सिस्की, ठीक है, सिस्की आपको रन करना है। जैसे ही आप इसे लिख देते हो ओके प्लस प्रेस कर दीजिएगा और इसे यस कर दीजिएगा। आपको एक पॉपअप शो होगा जो होगा सिक्योरिंग द विंडोज़ अकाउंट डेटाबेस, ठीक है। अब जब ये आपको शो होने लगे तो आपको क्या करना है, आपको अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हो, अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो चेक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है स्टोर स्टार्टअप की लोकली, ठीक है, यानी कि ये जितनी भी कीज़ को स्टोर करेगा वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही करेगा, ठीक है। जो भी आपके पासवर्ड लेंगे वो सब सी ड्राइव में सेव हो जाएंगे स्टार्टअप की के अंदर, ठीक है, लोकली में, लोकल ड्राइव में। बट आप क्या करोगे, आपको करना है स्टोर स्टार्टअप की ऑन फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, आपको इसको चेक कर देना है। जैसे ही आप इसे चेक करते हो इसको ओके प्रेस कर देना, इसको ओके कर देना, इसको ओके कर देना, इसको ओके कर देना, आपका काम ख़त्म। आपकी पेन ड्राइव अब आपका पासवर्ड बन चुकी है, ठीक है। अब इसका एक डेमो भी मैं आपको दूंगा कि चलिए दे देता हूँ कि ये काम हुआ भी है, हुआ है प्रॉपरली या नहीं हुआ है। चलिए देखिए, मैं आ चुका हूँ डेमो के लिए कि आपको दिखाने के लिए कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरा कंप्यूटर ऑन है और मैं थोड़ा कैमरे को इस तरफ लेके जाता हूँ धीरे 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 धीरे। देखिए मेरी पेन ड्राइव भी आपको दिखाई दे रही होगी लाल मिर्च के छल्लों में, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर जो है वो आपको रीस्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए रीस्टार्ट कर देते हैं और ये मैंने किया इसको रीस्टार्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसे रीस्टार्ट करते हो, मैं यहाँ पे ये पेन ड्राइव जो आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये जो पेन ड्राइव दिख रही होगी, मैं इसे निकालने वाला हूँ, ठीक है, मैंने इसे निकाल दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर हमारा रीस्टार्ट हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, यहां तक तो हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगा। चलिए थोड़ा आगे लेके जाता हूं, देखिए यहां पे इसने स्टार्टअप की पासवर्ड मांग लिया। थोड़ा और आगे लेके जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है, ये देखिए स्टार्टअप की डिस्क, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहे कितने एंटर मार लीजिए, ये देखिए मैं मार देता हूँ। जैसे ही आप एंटर मारेंगे यहाँ पे आपको की फाइल नॉट फाउंड, ये देखिए की फाइल नॉट फाउंड वाला मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये नहीं खुलेगा। अब आप देखिए मैं यहाँ पे वही पेन ड्राइव लगाता हूँ, ठीक है, ये रही वो पेन ड्राइव, ठीक है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव ओपन करी और इसको मैंने कंप्यूटर पर लगा दिया। जैसे ही मैंने इसे कंप्यूटर पर लगाया, ठीक है, अब आप इस तरफ को हो जाइए, देखिए जैसे ही मैंने अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर पर लगाया और यहाँ पे एक बार एंटर किया तो वो मैसेज हट गया। अब दूसरी बार एंटर करूँगा ना तो ये देखिए आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देख भी पा रहे होंगे आप कि हमारी जो ट्रिक है वो काम कर गई, हमने अपनी पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बना लिया है। तो भैया अब तो बल्ले बल्ले हो गई। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ लगे हाथ कि इन फ्यूचर अगर आपको ये चीज नहीं पसंद आ रही है, आपको इसको हटाना है, इस पासवर्ड को हटाना है, तो आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वापस से कंप्यूटर पर चलते हैं। चलिए तो देखिए मैं वापस अपने कंप्यूटर पर आ गया हूँ और अब आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसको हटाना है
इस पासवर्ड को हटाना है, आपको ये कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आप पेन ड्राइव नहीं लगा सकते हो, इस पासवर्ड से मुक्ति पाना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो आप? आपको करना क्या है, आपको अपनी पेन ड्राइव को वापस अपने कंप्यूटर पर लगाना है। चलिए मैं लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर पर लगा दी है और यहाँ पर आपको शो हो भी रही होगी, ठीक है। जैसे ही आप इस पर अपने कंप्यूटर पर अपनी पेन ड्राइव लगा देते हो, आपको क्या करना है, आपको रन तक पहुँचना है, ठीक है। तो इसकी एक शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ आपको, विंडोज़ प्लस आर, ठीक है, विंडोज़ की प्लस आर जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आप अपने रन पर डायरेक्टली आ जाते हो। अब आपको यहाँ पे सिस लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपको यही लिखना है, ठीक है, और ओके प्रेस कर देना। जैसे ही आप इस पर ओके प्रेस कर देते हो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको वापस वही स्क्रीन पॉपअप हो रही है, सिक्योरिंग द विंडोज़ अकाउंट डेटाबेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे ही यहाँ पे आप अपडेट करते हो, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट करोगे तो आपको सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, ठीक है, इसमें हमने जब पेन ड्राइव पे पासवर्ड लगाया था तो आपको याद होगा कि हमने ऊपर वाला चेक लगाया था, ठीक है, स्टोर स्टार्टअप की इन अ फ्लॉपी डिस्क पे। लेकिन इस बार आपको वापस अगर पेन ड्राइव से पासवर्ड हटाना चाहते हो या पेन ड्राइव वाला पासवर्ड हटाना चाहते हो, तो आपको वापस इसको नीचे वाले पे चेक करना होगा, एक बार ओके करना होगा, दूसरी बार ओके करना होगा, तीसरी बार ओके करना होगा और काम ख़त्म, आपका पेन ड्राइव पासवर्ड हट चुका है। तो अब आपको बार बार अपनी पेन ड्राइव लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पेन ड्राइव पासवर्ड से मुक्ति पा ली है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी करके बताता हूँ कि आपको दिखा देता हूँ कि हुआ भी है या नहीं। तो देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पासवर्ड हटा भी है या नहीं, ठीक है। ये मेरा मॉनिटर हो गया, ये आपको सीपीयू दिख रहा होगा, यहाँ पे सीपीयू लाल मिर्च में टंगी हुई मेरी पेन ड्राइव दिख रही होगी। चलिए मैं पेन ड्राइव आपके सामने ही रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दी, सही है। चलिए अब वापस अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे रीस्टार्ट करना है, ठीक है, मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये रीस्टार्ट, ठीक है, कंप्यूटर हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। अब आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, देखते हैं कि पासवर्ड हटा है या नहीं, चलिए वेट कर लेते हैं। ये हुआ हमारा शटडाउन और ये रीस्टार्ट, स्टार्टिंग विंडोज, देखिए अब वो आपको मैसेज नहीं आएगा स्टार्टअप की फाइल वाला, ठीक है, जिसमें आपको पेन ड्राइव अपनी लगानी थी खोलने से पहले। तो बहुत वेट करवा रहा है, चलिए देखिए खुल चुका है, ठीक है, आपका कंप्यूटर खुल चुका है, यानी कि हमने अपनी पेन ड्राइव पासवर्ड से मुक्ति पा चुकी है। आपको मैं अपना कंप्यूटर दूर करके और अपनी एक बार सीपीयू भी दिखा देता हूँ कि मैंने कोई पेन ड्राइव नहीं लगा रखी है। ये देखिए आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर भी खुल रहा है और पेन ड्राइव भी नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि आपने अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव वाली पासवर्ड से मुक्ति पा ली है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, कि आपको बताना कि आप अपनी पेन ड्राइव को अपनी पासवर्ड के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हो और अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप को बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रोटेक्टेड कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, मामी जी, मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, ससुर जी, कैसी लगी आप सबको वीडियो? आई एम श्योर बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों को खुश रखिए। गुड बाय।